खामोश बैठी गजल को अल्फाज दे आया, आज एक गुलाब को गुलाब दे आया। प्रेम जताना हो या अपनों को मनाना हो, हर प्रसंग में पुष्पों का इस्तेमाल किया जाता है। फूल भला किसे नहीं पसंद होते, प्रकृति ने इन्हें बेहद खूबसूरत तरीके से बनाया है कि इन्हें देखने मात्र से ही लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। खुले नीले आसमान के तहत रंग बिरंगे फूल यकीनन प्रकृति के बेहद खूबसूरत दृश्यों में से एक होता है। इसीलिए तो लोग फूलों को देखने के लिए गार्डन में जाते हैं, और अगर फूल गुलदाउदी के हों यानी कि स्वर्ण पुष्प हों तो फिर क्या कहना। सर्द की गुनगुनी धूप हो और उस पर से खूबसूरत फूलों का साथ मिले तो शायद ही कोई होगा जो इस पल को महसूस नहीं करना चाहेगा। फूल प्रकृति का एक बेहतरीन तोहफा है जो हर वर्ग के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कुछ ऐसा ही नज़ारा लखनऊ के बाटनिकर गार्डन में देखने को मिला। ये कोई जम्मू कश्मीर या श्रीनगर नहीं है, ये अपितु हमारा राजधानी लखनऊ है। बात अगर पुष्पों की हो रही है तो जरूर कुछ ना कुछ खास होगा। जी हाँ, CSIR ने यहाँ पे कोलियस और साथ ही साथ गुलदावती पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन बेहद ही शानदार तरीके से किया, जो कि 2 दिवसीय था। आज यहाँ पे इसका आखिरी दिन है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की तरफ से 2 दिवसीय गुलदावदी व कोलियस पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में कुल 72 प्रदर्शकों ने 562 प्रविष्टियों को प्रदर्शित किया। मुख्य उद्देश्य था आम जनमानस को प्रकृति से अवगत कराना। मेरा नाम लोकुश पांडे है, मैं सोच छात्र हूँ आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या में। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, यहाँ पर गुलदावदी और कोलियस की प्रदर्शनी लग रही है। ये प्रदर्शनी 2 साल बाद लग रही है, कोविड के बीच में बंद हो गई थी। यहाँ पर आप देख रहे हैं तरह तरह के फूल फ्लावर आपको दिख रहे होंगे। स्पेशली जो फूल फ्लावर हैं वो कोलियस और गुलदावदी के हैं, उनकी बहुत सारी स्पीसीज हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जगह जगह पर सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं, जो बहुत ही मनोरम दृश्य है यहाँ का। और बात करें आज के डेट में जो हमारा सरकार है बात कर रहा है प्राकृतिक खेती की, तो इस फ्लावर के माध्यम से हम रोजगार के अवसर भी जनरेट कर सकते हैं। हमारा युवा इसकी खेती करके बहुत सारा लाभ कमा सकता है। और यहाँ के जो बात करें इस प्रदर्शनी की, तो प्रदर्शनी का जो दृश्य है बहुत ही मनोरम है। धन्यवाद। मैं आलोक सिंह आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में शोध छात्र हूँ। मैं यहाँ पे जो प्रदर्शनी चल रही है गुलदावदी एवं कोलियस की, ये बहुत ही अच्छी प्रदर्शनी है। इसके माध्यम से हम प्रकृति के साथ जुड़ाव भी रख सकते हैं, और युवा खास करके आजकल इसकी खेती किसान भाई भी कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसलिए इसकी मैं किसान भाइयों से भी अपील करूंगा कि इसकी खेती करके और अपने आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। गुलदावदी के फूलों की अगर बात की जाए तो इसे जाड़ों की रानी कहा जाता है। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अंतर्गत यहाँ पे 75 प्रकार के फूलों की प्रदर्शनी लगाई गई है। कोरोना काल की वजह से लगभग 2 साल बाद इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसे देखने के लिए लंबी तादाद में यहाँ पे लोग NBRI में उमड़े हुए हैं। आज़ादी के 75 वर्ष की थीम के तहत 75 किस्म के फूलों की प्रदर्शनी लगाई गई। गुलदावदी की बात करें तो यह मौसमी सजावटी पौधा है जिसका वैज्ञानिक नाम क्राइसैथियम है। इस शब्द का अर्थ है स्वर्ण पुष्प। इससे पहले विशिष्ट निर्णायकों ने विभिन्न वर्गों में प्रदर्शित प्रविष्टियों का अवलोकन किया, और इसके बाद विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य था कि पुष्प कृषि उद्योग के बारे में आम जनमानस को अवगत कराना। ये एक सुनहरा मौका था कि लोग यहाँ पे आके फूलों के प्रकार से, आकार से और साथ ही साथ उनकी किस्मों से वाकिफ हो पाते। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ मैं प्राची तिवारी, डेली इंसाइडर लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।